फाइनली बिलिंग हो रही है और अगर इन्होंने मुझे अगर बिल में कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया आज अच्छा, तो ये जितने भी कपड़े आपको दिख रहे हैं ये सारे यहीं के यहीं रह जाएंगे। पैसा तो देखो निकल गया मेरा आज। पति ने आज बहुत गुस्सा करना है बेचारा, अपने लिए दो कपड़े लेके गया है, मैंने 200 ले लिए, बाहर जाना है बाहर जाना है, वो हल्ला पहनना वही है मैंने, वही बड़े बड़े वो पहन लूंगी, कंफर्टेबल होके कोजी होके घूमती रहूंगी। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है, बज गए हैं 11 मेरे ख्याल से, और अविनाश जा चुका है, उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी आज, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन अगर वो दिन सही रहा तो वो आके मुझे बताएगा या फिर वहां से कॉल करेगा। मैं अभी अपनी कॉफी वॉफी पीऊंगी और उसके बाद निकलूंगी मैं, मतलब आई थिंक आई एम गोइंग टू शूट वन वीडियो हियर, और उसके बाद मैं निकलूंगी दोबारा से जो मेरा कल का रह गया था। अविनाश की तो थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई, मेरी थोड़ी बहुत रह गई है, थोड़ी बहुत क्या, मेरी तो पूरी रह गई है, मैंने कुछ लिया ही नहीं भीड़ के मारे। तो अब मैं जाऊंगी और अपनी चीजें कुछ लूंगी, जैसे जैसे आज टाइम मिलता है जो जो होगा आपको बताती जाऊंगी। आ गए हैं दोस्तों हम कॉफी बनाने, कॉफी के लिए यहाँ पे करना क्या है हमें, ये हमने कॉफी के लिए तैयार कर दिया है पानी, पानी कम लगता है। वो देखो कैसे मार रही है अपनी माँ को, देखो ये, देखो ये खुशी है उसकी, जैसे मैं नहा के आई हूँ ना ये उसकी खुशी है, ये जैसे खुश होती है ना मुझे देख के अपनी माँ को मारती है, मतलब मार भी रही है, उसकी खुशी का इजहार कर रही है। वो देखो देखो ये देखो मम्मा आ गई है तैयार होके। और वो चेरी का पता नहीं क्या सब कुछ लूट पिट गया है, देख सकते हैं आप वो देखो। चूंकि दिसंबर का टाइम आ गया है दोस्तों, तो हम लोग पियेंगे क्रिसमस वाले फील के साथ कॉफी। कॉफी यहाँ पे हो गया, पानी और ये रेडी हो गई मेरी कॉफी, और मैं थोड़ी देर अभी जाके कॉफी पीऊंगी। अरे यार फिसलन है, अमिता अभी भी पोछा लगाया तूने यहाँ पे, आई थिंक अपनी आके मैं बैठ के कॉफी पीती हूँ। ये रखती मैंने कॉफी यहाँ पे, थोड़ा सा जरा मैं पहले कॉफी वॉफी पी के तरोताजा हो जाऊँ। ऑल्सो मेरे को बताना जरा, जैसे मेरे को जिन्होंने मेरे बाल वगैरह इस बार हेयर कट दिया है, वो मुझे बोल रही कि आगे आगे से ना, आगे आगे से इतना इतना ना आप थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग करा लो, मतलब लाइक परमानेंट स्ट्रेटनिंग, क्योंकि मेरे बाल तो कर्ली है ना, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा परमानेंट स्ट्रेटनिंग करा लो तो आपके आगे के बाल तो कम से कम मैनेजेबल रहेंगे, वरना देखो ये कर्ली कर्ली तो हो ही जाते हैं। तो आप जरा मेरे को प्लीज सजेस्ट करो कि क्या मैं ऐसा कर लूँ क्या फटाफट, टाइम है नहीं ज्यादा, फटाफट बताओ मेरे को। तो दोस्तों आप ये ट्राईपॉड देख रहे हैं, पहले तो देखो मेरे को हेल्प लगती थी, लेकिन अब मैंने ये खुद से करना शुरू कर दिया कि मेरे जब मन में कोई बात होती है ना, ऐसा कुछ डिस्कस करने का मन करता है, तो मैं ट्राईपॉड पे रख के मतलब फोन एडजस्ट करके और मैं उसको शूट कर देती हूँ, फिर अविनाश एडिट करता रहे। तो आज मैंने जो एक SS वीडियो, बेस्ट ऑफ SS व्लॉग्स के लिए, अगर आपने मेरा दूसरा चैनल भी देखा है उसके लिए एक वीडियो अभी भी बनाया है, इस टी शर्ट में आपको दिख जाएगा, और जब भी वो आएगा इट्स अ मस्ट वॉच। मुझे लगता है कि जो भी मेरे दिल की बातें जो मैं इस चैनल पे नहीं व्यक्त करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है कि बहुत ज्यादा ज्ञान मत पेलो, तो फिर मैं वो ज्ञान वहां पे डालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ दिल की बातें हैं वो शेयर करनी जरूरी है। तो अगर आपको वो प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा, अब पर खुद ही देना पड़ेगा, तो वो प्लेटफॉर्म है मेरा बेस्ट ऑफ SS व्लॉग, प्लीज जाके आप वो वीडियो जरूर देखना, ये वाला वीडियो, इस टी शर्ट वाला। तो जी मैं निकल गई हूँ, बहुत बदतमीजा मेरा दोस्त जो मतलब मेरे पीछे नहीं मतलब मेरे सामने हंस रहा है मेरे ऊपर, लेकिन मैं फिलहाल जा रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया था मेरा LP हो जाएगी ना मेरी, थोड़ा सा वीडियो शूट कर देगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए तो दोस्त होते हैं, इनका फायदा उठाओ। बिल्लीज प्यार है, गुस्सा भूखी लगी है, अरे देखो मैं बर्तन के पास लेके जा रही हूँ, इतना इतना वो नहीं, ना ही नहीं ऐसे नहीं करते, इधर ना खा ले, दूसरे वाले को भी देना मेरे को। अरे कैसे कर रही थी ना, मतलब ये थैंकफुल नहीं थी बिल्ली, बताए इतना तेरे मतलब तेरा फर्ज है पूरा कर, तेरे बाप की नौकर हूँ। हाँ भैया देखो ऐसे ही होती है बिल्लियाँ ना भैया, बिल्ली आजा आजा, तो तेरी डाल दूँ क्या, इधर ही डाल दूँ क्या, चल इतना नहीं सोते, चल आजा जा नीचे से ना, कैसे देख रहा है, अब आया आया वो देखना देखना अंगड़ाई, मतलब वो भी एहसान कर रहा है मेरे पर कि चल तूने दे दिया है तो मैं देख लेता हूँ, चल खा ले खा ले बेटा, आ इधर इधर आ बेटा इधर,
तुझसे डर लगता है जरा। एक तो इंग्लिश को ऐसे भी नहीं घसीट सकती ना मैं। इधर आ, इधर आ। खाना है लेकिन पूरा दिखा रहा है जैसे एहसान कर रहा है मेरे पर। चले यहाँ से। चलोगे ना भैया? अभी नहीं, ये जाए पीछे आ जाओ। चलोगे भैया? लोकल मारा तो चले हैं। ओ, एक बंदा भी फिट नहीं आ सकता इस गाड़ी में। वो गाड़ी का फायदा ही क्या है जो बंदा यहाँ बैठ पाए अंदर? बंदा धरती में समा गया है, इतनी महंगी गाड़ी का फायदा क्या है? फोन किया लोकल वाला और आज अगर मैंने अंत नहीं किया, अंत तो पता नहीं लेकिन करा नहीं शॉपिंग, तो मेरा नाम भी संभावना नहीं। और देखो मैंने चीजें खरीद रखी हुई है साइड पे ट्राई करने का टाइम। I just love this color. I'm obsessed with this color. I don't know, pink mera na favorite hai bhi. Please do let me know in the comment section kaise lag rahe hain aapko ye. Very nice. Yeah. This is again a evening wear type. Bichare ne jhoot bola pehle. Top mein mat jana. Mere ko ye bilkul sahi lag raha hai na. With a small crop top. Ye pehen sakte ho. Crop tops hai mere paas ghar pe. ये भी साइज आई थिंक एक छोटा साइज होना चाहिए इसका, थोड़ा ज़्यादा लूज है ये। 200 मैं आपको बता दूँ कि ट्राई करते करते ना थक गई मैं। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हैं, कुछ नहीं लगी हैं। अभी क्या क्या लूँगी मैं डिसाइड करना है मुझे, क्योंकि ट्राई मैं सब कर रही हूँ लेकिन मेरा ना शॉपिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं वंस फॉर ऑल वन गो में जितनी चीज़ें ट्राई कर ली उसके बाद मुझे अच्छी भी लगती रहे ना तो भी मैं ऐसे छोड़ देती हूँ अगर मेरा पेशेंस खत्म हो गया। मेरे पेशेंस ना मतलब मेरा दिमाग की सटी ना तो मैं फिर हट जाती हूँ। ये देखो क्या लेंगे, ऐसे देख के दिमाग की हटेगी ना? नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। टू मच। ये भी बहुत लूज है। फाइनली बिलिंग हो रही है और अगर इन्होंने मुझे अगर बिल में कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया आज अच्छा, तो ये जितने भी कपड़े आपको दिख रहे हैं ये सारे यहीं के यहीं रह जाएंगे। बस डिस्काउंट पे है सब कुछ। जिंदगी आपस में वो चलती है, डिस्काउंट दो पैसा दो, पैसा तो देना ही है। पैसा तो देखो निकल गया मेरा आज। पति ने आज बहुत गुस्सा करना है बेचारा। अपने लिए 2 कपड़े लेके गया है, मैंने 200 ले लिए। बाहर जाना है वो हल्ला पहनना वही है, मैंने वही बड़े बड़े वो पहन लूंगी, कंफर्टेबल होके कोजी होके घूमती रहूंगी। तो जी मैं अभी यहाँ पे स्केचर्स पे आई हुई हूँ और स्केचर्स के शूज देख रही हूँ। आज एक तो कोई मैं खरीद के जाऊंगी। सो एक मैंने पिंक देखे हैं जो कि मेरे को थोड़े से कंफर्टेबल है। और इसी में और क्या कलर है आपके पास? इसमें यही कलर है और कोई कलर ही नहीं है इसमें? इसमें वो सेम पैटर्न। तो मुझे ना एक बार ये ब्लैक भी ट्राई करा दो। वो ब्लैक वाले में साइज नहीं चेक किया। तो हमारे पास मतलब यही ऑप्शन है एक? वो है और ये और भी ऑप्शन है स्लिप ऑन में। नहीं नहीं मतलब फिर मुझे ये बताओ ना, क्योंकि मुझे ये थोड़े से कंफर्टेबल लग रहे हैं। तो अगर अपने को कलर मिलता है तो ही मैं लूंगी फिर ये, क्योंकि पिंक कलर मैं कितनों के साथ पहन लूंगी ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को कलर या तो मैं एक न्यूट्रल ब्लैक लूँ, पिंक आई कैन नॉट वेयर विद एवरीथिंग ना, ये प्रॉब्लम है। क्या ये करूँ? अरे थोड़े लूज भी है मेरे को ये, ऐसे ही रहेंगे क्या? ऐसे ही लूज ही रहेंगे क्या? अच्छा ऐसे ही रहेंगे। तो जी बज रहे हैं रात के 10:15। मैं 2:30 बजे से घर पे हूँ और तब से मेरी बेबी गई है। आज इसने ऐसी घमासान भयंकर शॉपिंग की है कि अभी आधे घंटे पहले आई है और कल भी हम शॉपिंग करके आए। हालांकि इसने कल कुछ खरीदा नहीं, 4-5 चीजें खरीदी। लेकिन तुम मेरे साथ क्यों नहीं इतना खरीदती हो? क्योंकि मैं टोकूंगा इसलिए? नहीं बेबी, तुम्हारे पास इतनी पेशेंस ही नहीं है, तुम खड़े ही नहीं होगे। तुम्हें कहा आई है? अरे बेबी अच्छा फोन आ गया बेबी बाय। ये सब करोगे तो तुम्हें ले जाने का मतलब नहीं है। तुम्हारी शॉपिंग में मैं खड़ी रह सकती हूँ लेकिन मेरे में नहीं तुम खड़ी रहोगे। आज तुमने कपड़े भी नहीं दिखाए, आके पैकेट आते ही अंदर भिजवा दिए। क्या ही देख के करोगे? तुम्हें क्या ही करना है बीवी के कपड़ों से? अब क्या ही है? लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ना स्केचेस वगैरह पे गई तो जो फाइनली एक शूज मैंने ब्लैक कलर के पसंद करे हैं वो उनका साइज वहां पे नहीं था। अब मैंने दूसरे स्टोर से वो साइज मंगवाया तो कल तक वो साइज पहुंचेगा, तो आपको मैं शूज भी दिखा दूंगी। बट दोज आर आई मीन गुड शूज, कंफर्टेबल है। हाँ है बट
वो स्पार्क्स वाली बात नहीं है बेबी. स्पार्क्स के जूते हैं. आई डोंट नो व्हाई इट्स सो कंफर्टेबल आपके पैरों में. ऑनलाइन मिल रहे हैं, मैं कर देता हूं ना ऑर्डर. हाँ तो जब तक आप ऑर्डर करोगे तब तक हम लोग सुसु. तो भैया अब मेरे हो गए, बस मैं चली सोने. मैं इनको घुमा के भी ले आई हूँ नीचे, इनको खिला के ले आई हूँ. मैं चली सोने के लिए, आपको मिलेंगे हम लोग कल. टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट. और कल में आपको दिखेगा अविनाश का रूम मेकओवर. रूम रेडी है, कल दिखाऊंगी आपको अविनाश का रूम. आप लोग तैयार हो ना? आई एम श्योर आप लोग तैयार हो. बट द रूम इज लुकिंग वेरी नाइस. जिस तरह से एक स्टोरी सिटिंग के लिए रूम होना चाहिए वैसा मैंने बना दिया. और एक और सरप्राइज है जो कि फिर मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी वो क्या है, सोचो. लेकिन कल होगा अविनाश का रूम का क्या कहते हैं उसको, रूम रिवील. हाँ, रूम रिवील. रिवील तो हो ही चुका है, इतने टाइम से कचरा पड़ा हुआ था लेकिन फाइनली रूम बन गया. सो पर्दे वर्दे आज लग गए हैं, कल मिलते हैं, कल दिखाती हूँ. और ये शर्ट कैसी लग रही है तुमने बताया नहीं, सुबह से पहन के घूम रहा हूँ. उतारी भी नहीं कि तुम आओगी तो तुम्हें दिखाऊंगा. अच्छी लग रही है, मैं सुबह बता दिया था. सुबह सुनाई नहीं दिया मुझे, जो मीटिंग में गए थे. मैंने ही तुम्हें बोला था ये पहन के जाओ. लेकिन पहन के जाओ ये नहीं बोला था, लग कैसी रही है. अरे भाई अच्छी लग रही होगी तभी कहूंगी ना पहन के जाओ. की मैं कहूंगी अच्छी नहीं लग रही यही पहन के जाओ ताकि तुम्हारा काम तुम्हारा क्या पता. आई बड़ी